नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। भाइयों, बहनों, मित्रों, आज रात 8 बजे से 500 के और 1000 के नोट रद्दी हो जाएंगे। इसी तरह से ताली बजाकर के मोदी जी ने मास्टर स्ट्रोक चला था। उसके पीछे वजह क्या बताई थी? उसके पीछे वजह बताई थी कि हम नोट इसलिए बंद कर रहे हैं क्योंकि हमको आतंकवाद पर रोक लगानी है, क्योंकि हमको जाली नोट बाहर करने हैं, क्योंकि हमको नक्सलवाद की कमर तोड़नी है। तमाम सारे जो है वो कारण बताए गए थे। लेकिन किस तरह से मोदी जी के एक के बाद एक सारे वादे धराशायी होते चले गए। अब भास्कर में खबर छपी है और ये खबर आरबीआई ने रिपोर्ट जारी की, उस पर खबर छपी है। आरबीआई की रिपोर्ट है, मेरी या आपकी, किसी और पत्रकार की या किसी की नहीं है। आरबीआई ने रिपोर्ट जारी की। क्या कहा आरबीआई ने? साल भर में दुगने हुए 500 के नकली नोट। सोच रहे हैं आप, नकली नोट दुगने हो गए हैं 500 रुपए के, और 500 रुपए के नोट ही सबसे ज्यादा है मार्केट के अंदर। 2000 के नोट तो अब चुपचाप वापसी किए जा रहे हैं। वो भी पूरा खबर देखिए आप, आखिर तक देखिए, आपको पूरे आंकड़ों के साथ में चीजें बताएंगे। तो ये साल भर के अंदर 500 के नकली नोट जो है वो दुगने हो गए हैं। बड़ी खबर है, 2000 रुपए के जाली नोट 54% बढ़े हैं, दुगने ये भी हो गए, 50% ये भी बढ़ गए हैं। 2000 रुपए के जो नोट है वो भी 54% मार्केट के अंदर बढ़ गए हैं नकली नोट। 50 और 100 रुपए के नकली नोट कम है। छोटी जो करेंसी थी, जो पहले की करेंसी थी 100 और 50 रुपए की, वो सबसे कम है। और 100 रुपए का नोट ही जो है वो जो है भारत के अंदर सबसे ज्यादा चलन में है, ये भी आरबीआई ने कहा है। 21.3% करेंसी नकली है। जो करेंसी हमारे यहां पर है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जितना पैसा, मोदी जी ने कहा कि डिजिटल इंडिया बनाएंगे हम लोग, लेकिन अब लोगों में इतना खौफ हो गया है, लोग इतना डरने लगे हैं कि ना जाने कब रात को उठ के 8 बजे घोषणा कर दे कि ये नोट बंद, वो नोट बंद। इसलिए लोग जो है वो पैसे को बैंक की बजाय अपने घर में रख रहे हैं, घर में रख रहे हैं, ताकि जरूरत के समय पर कम से कम पता चल सके। आगे मैं आपको आगे आंकड़े दूंगा। बहरहाल खबर आप देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में नकली नोटों की संख्या काफी बढ़ गई है। आरबीआई के अनुसार 500 रुपए के नकली नोट एक साल में दुगने हो गए हैं पिछले साल की तुलना में। केंद्रीय बैंक ने 500 रुपए 101.9% नोट ज्यादा, और 2000 रुपए के जो है वो 54.16% नोटों का पता लगाया है। तो 2000 रुपए के जो नोट है वो 54% नकली बढ़ गए हैं, और जो 500 रुपए का नोट है वो 101% बढ़ गया है, दुगना हो गया है। अब देखिए, नकली नोटों की बढ़ती संख्या से परेशान करने वाली है। आरबीआई ने कहा है कि 31 मार्च 2022 तक बैंक में जमा हुए रुपए 500 और 2000 रुपए के नोट 87.1% नकली नोट थे। 31 मार्च 2021 को यह आंकड़ा 85% था। बैंक ने बताया कि 31 मार्च 2022 तक चलन में मौजूद का कुल 21% था ये। तो किस तरह से लगातार साल दर साल जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। और मोदी जी, हम डिजिटल कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, कश्मीर में क्या हो रहा है आतंकवाद के नाम पर, कहा था पत्थरबाजों की फंडिंग बंद हो गई है, अब पत्थरबाज नहीं होंगे, अब टारगेट किलिंग हो रही है। एक खैर बीच में फिल्म आई, वो करोड़ों रुपए कमा करके चली गई, लेकिन उसके बाद में कश्मीर में क्या हालात हो आपने देखे। अब देखिए आप किस तरह से जो है वो चीजें हो रही है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि नकली नोट बढ़ रहे हैं, 500 रुपए के नकली नोट दुगने हो गए हैं, लेकिन उसके बाद में एक चौंकाने वाला आंकड़ा आप देखिए, आय का कम होना भी एक कारण है। एक तो पैसा नहीं और ऊपर से नकली, देखिए कितना, एक तो जो है वो पैसा है नहीं, आमदनी है नहीं, और उसमें भी जो आमदनी हो रही है वो नकली नोटों में हो रही है। सोच करके देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पब्लिक पॉलिसी के अर्थशास्त्री अयाला श्री हरि नायडू ने बताया कि 100 रुपए के नोट ज्यादा उपयोग होने के कारण एक कारण लोगों की कम आय होना भी है। उनके अनुसार हमारे देश में 90% लोगों की इनकम कम है, जिसके कारण आमतौर पर 100 रुपए से लेकर के 300 रुपए तक का ही सामान खरीद पाते हैं। ऐसे में लोग डिजिटल लेन देन की जगह पर नकद देना पसंद करते हैं। पैसा है नहीं
90% लोग जो हैं वो 100 रुपए से लेकर के 300 रुपए तक की खरीदारी एक दिन में कर पाते हैं। सोच करके देखिए, जो बड़े बड़े सपने विश्व गुरु भारत और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है वो बना देंगे, ये तमाम जो बातें कही जाती है उनकी सच्चाई क्या है। और जहां तक आतंकवाद की बात है, आतंकवाद में अभी कश्मीर में कश्मीरी पंडित जो है वो कैसे राहुल भट्ट की हत्या हुई, टारगेट किलिंग की जा रही है, और उसके बाद में हमने आपको दिखाया कि किस तरह से पुलिस के जवान हैं उनको मारा जा रहा है। तो कैसे जो है वो किसी भी मोर्चे पर मोदी सरकार के पास में ले देकर के कुछ नहीं है। फिर उसके बाद में निकलता है ज्ञान व्यापी, फिर उसके बाद में प्रकट होता है इस मस्जिद में मूर्ति प्रकट हुई, इस मस्जिद में ये मिला, उस मस्जिद में ये हुआ, मथुरा में ये बनेगा, फला जगह पर ये बनेगा, फला जगह पर जय श्री राम के नारे, फला जगह पर तलवारबाजी, ये सब जो है इसीलिए शुरू होता है क्योंकि ना आमदनी है, पैसे पर कंट्रोल लग नहीं पा रहा, मुद्दों पर काम हो नहीं रहा है, सरकार हर मोर्चे पर फेल दिखाई दे रही है। महंगाई की बात करिए, बेरोजगारी की बात करिए, सुरक्षा की बात करिए, नोटों की बात करिए, जाली नोट की बात करिए, आतंकवाद की बात करिए, कहीं पर भी सरकार की जो है वो सफलता चश्मा लेकर के भी, दूरबीन लेकर भी नजर नहीं आती है। फिर उसके बाद में मोदी सरकार कहती है हम विश्व गुरु बना रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, बर्लिन में जाकर के, जापान में जाकर के पीठ थपथपाते हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो आरबीआई खुद जो है वो इसको बयां कर रही है, और आरबीआई बता रही है कि किस तरह से बुरी हालत है। वाकई जो है वो देश के अंदर जो नोटबंदी की तो अब ऐसी हालत हो गई कि मोदी सरकार और मोदी के मंत्री नोटबंदी का जिक्र तक नहीं करते हैं। कभी आपने सुना नोटबंदी, ये नाम सुना है कभी आपने? 2017 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश का, तब कहा कि हम नोटबंदी के ऊपर जीते हैं, नोटबंदी के ऊपर मोहर लग गई है, और अब नोटबंदी की बरसी मनाना भी छोड़ दिया इन लोगों ने। वैसे हर चीज की बरसी मनाते हैं, अब नोटबंदी की बरसी जो है वो खत्म, उस पर तो बात ही नहीं होती है। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की बरसी, नोटबंदी हुई थी, और उसकी बरसी 8 नवंबर हर साल आ रही है, लेकिन कोई याद नहीं करता है। वजह यह है कि कहीं पर कुछ गाल बजाने के लिए है नहीं, जो सच्चाई है वो लोगों के सामने आ गई है। तो बहरहाल बड़ी खबर है, आरबीआई की खबर है, आगे तक पहुंचे, लोगों को समझ में आए कि किस तरह से सरकार जो है वो कैसे तकरीबन हर मोर्चे पर फेल होती हुई क्यों नजर आ रही है। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।